बाढ़ के कचहरी के एनएच 31 पर प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अंचलाधिकारी ने मास्क के चेकिंग अभियान चलाया। रोको टोको अभियान के तहत कोरोना के संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से प्रखंड विकास पदाधिकारी नवकनज कुमार तथा अंचलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने गहन मास्क चेकिंग अभियान चलाया। बिना मास्क जा रहे ही कई लोगों को रोका गया तथा मास्क लगाने की हिदायत दी गई। मास्क नहीं लगाए जाने पर अगली बार से जुर्माना वसूल करने की बात कही। इस दौरान कई लोगों को रोककर बिना वजह इधर उधर घूमने की चक्कर में उठक बैठक भी करवाई गई तथा बेवजह बिना मास्क के इधर उधर नहीं घूमने की चेतावनी दी गई। इसके अतिरिक्त बाजार के कई दुकानों में भी घूम घूम कर दुकानदारों को मास्क प्रयोग में लाने के लिए कहा गया तथा बिना मास्क वाले ग्राहकों को दुकान में घुसने नहीं देने की सलाह दी। सरकारी निर्देशन सर हम लोग जो है वो कोरोना की स्थिति को देखते हुए मास्क जांच अभियान सघन मास्क जांच अभियान चला रहे हैं, जिसमें जो भी व्यक्ति वैसे जो बिना मास्क के हैं उनसे हम लोग पहले तो अपील कर रहे हैं और उसके बाद 50 रुपये का फाइन जो है वो प्रति व्यक्ति फाइन जो है वो वसूला जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने 2000 रुपये फाइन के रूप में वसूले हैं और अभी देखेंगे कि यहाँ पे बाढ़ में इसका प्रचार प्रसार भी व्यापक हुआ है, जिसके कारण लोग जो है मास्क का उपयोग कर रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा कोरोना के नियमों की अनदेखी की जा रही है, तो उनके साथ हम लोग सख्ती कर रहे हैं और यहाँ पे लोगों के द्वारा कोरोना के नियमों का पालन किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस वेव में यहाँ के लोग कम इफेक्टेड होंगे, क्योंकि स्वयं अनुशासित हैं लोग और इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। यानी कि अगर आप किया ले।